Assalamualaikum beautifuls, how are you today? Do let me know in the comment section that how are you doing today. So today I'm gonna take you to a carnival that is called a mela. So जी vlog बन रहा है और सब लोग मुझे edit में कह रहे हैं कि vlog बन रहा है and yes मेले में लेके जा रही हूँ आपको और वहाँ क्या क्या होता है बहुत कुछ होता है बहुत कुछ सही भी होता है और बहुत कुछ गलत भी होता है so if you're interested then let's start the vlog. शुरुआत होती है ढोल से ढोल बज रहा होता है और हमारी गली में एक मज़ार है जिनका है जी बाबा मासूम शाह के नाम से उनका मज़ार है तो जब उनकी सालाना बरसी होती है तो फिर ये मेला जो है वो मनाया जाता है. ये मेला तकरीबन एक 3 से 4 दिन तक चलता है. यस 3 से 4 दिन तक चलता है जिसमें पहले गुसल होता है उसके बाद फिर कुरान खानी होती है उसके बाद फिर ये जो बर्थडे वाले दिन जो है इस तरह का मेला होता है. हमारी गली में स्टॉल्स लगते हैं बकायदा फूड के और वो फूड होता है जी द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज फ्री. द प्रॉब्लम इज कि फ्री होने की वजह से इतना रश होता है दैट यू लिटरली गेट सो एम्बैरस्ड के यू आर फाइटिंग ओवर फूड. अच्छा जी हमारा होता है ये वाला सेक्शन जिसमें हम भटूरे बनाते हैं. अभी तो तैयारी हो रही है इसके साथ साथ आपको कई ऐसे दोस्तों से मिलने को मिलता है जो आपसे बहुत अरसे बाद मिल रहे होते हैं और यू नो यू गेट टू नो योर नेबर्स इफ यू वॉन्ट टू पुट इट इन अ हेल्दी वे दैट्स वॉट आई वॉन्ट टू से. सो जी ये जी है मेन पॉइंट जहाँ पर जी उसकी सारी भी जो फंक्शंस है वो यहीं पर होते हैं. सो हम भी कुछ यहीं पे एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा. बाकी आजकल गर्मी बहुत थी तो इट वॉज काइंड ऑफ अ मेस. बहुत गर्मी थी वी वर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ यू नो फन. दिल कर रहा था बस थोड़ी देर के लिए बाहर जाते थे और फिर अंदर आ जाते थे क्योंकि इतना रश था कि वो सफोकेशन की वजह से भी इट वॉज नॉट प्लेजेंट एट ऑल. बाकी मेले इसी तरह के होते हैं. अगर आपने ज़िंदगी में कभी मेला नहीं देखा तो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक. सो आई थिंक आई एम शेयरिंग समथिंग लाइक दैट यू हैवन सीन बिफोर और इफ़ यू हैवन सीन लाइक एनीथिंग लाइक दिस बिफोर डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. कैसा महसूस कर रहे हैं मेले में आके? बहुत ज्यादा फील कर रहा हूं मुझे कमाल आ रही है. कहने वाले कहते हैं कि बाबा मासूम शाह का मज़ार यहाँ पाकिस्तान बनने से पहले से मौजूद है और आपको बच्चों से बहुत प्यार था और बच्चों के लिए आप बहुत कुछ किया करते थे जिसकी वजह से आपका नाम मासूम शाह जो है पड़ गया या फिर आपको कहने लगे. बाकी आप रश देख के अंदाज़ा तो कर रहे होंगे कि यहाँ पर किसी भी स्टॉल के बाहर खड़ा होना एक मशक्क़त से कम नहीं होता और एक पूरी जद्दोजहद जो है वो चल रही होती है टू गेट द प्रोडक्ट. बट आई पर्सनली हैवंट वेंट एनीथिंग. मतलब कुछ दूर दूर से अगर कोई चीज़ मिल जाती थी तो ठीक है अदरवाइज आई वॉज नॉट फाइटिंग फॉर इट. एनी हाउ वहाँ मैं पॉइंट आउट तो नहीं करूँगी लेकिन यहाँ पर मेरी फ्रेंड जो है ना वो कोशिश कर रही थी आगे जाके लेने की एंड आई वॉज आस्किंग करके थोड़ा मुड़ के देखो एंड शी सेड नो 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 मैं नहीं देखने वाली. बाकी ये है कि ये मेरी प्लेट है और मैंने थोड़ी सी कोशिश की थी कि अगर मैं कुछ यहाँ से ले सकूँ. बाकी यहाँ मैं थोड़ी देर खड़ी रही और आई वॉज फीलिंग वे टू मच एम्बेरस्ड. बट ये कि सब कर रहे थे तो आई थॉट के इट मस्ट बी अ फन थिंग टू डू हेंस आई वॉज सक्सेडेड. तो जी हम सक्सेड हो गए थे जी चावल लेने में. चले जी अब चलते हैं भटूरों की तरफ जिसका हमने बहुत इंतज़ार किया और मैंने सोचा था कि शायद इस भटूरे पर मेरा नाम है और किस तरह वो तड़पता भड़कता हुआ वो तेल में गया. उफ उसने पलटी ली क्या उसका टर्न था जी. चले जी कोशिश की थी कि बहुत के भटूरे मिल जाए लेकिन यकीन माने कोई सुनने को तैयार नहीं था कि आपको भटूरे जो हैं या छोले भटूरे जो है ना वो पंजाबियों की एक बड़ी पेटेंट डिश समझ लें लेकिन इट्स अ स्नैक. तो जी बहुत पसंद किया जाता है और सक्सेसफुली कि हमारे घर के मेरे घर के बिल्कुल सामने ये स्टॉल होता है क्योंकि हमारे मोहल्ले के जो मेल जो लड़के होते हैं उन्होंने मिलके ये जो जी अरेंजमेंट किया होता है और बच्चों को तो इतना मज़ा आ रहा होता है कि पूछे मत. जी
जैसे ही गरम गरम भटूरे आए तो गरम गरम भटूरों का तो और ही मज़ा होता है। सो आई होप आपको भी मज़ा आ रहा होगा। और क्या क्या है आगे ब्लॉग में सबको दिखाने वाली हूँ, तो कहीं जाना नहीं है आपने। और कमेंट सेक्शन में मुझे साथ साथ बताते जाएं कि आपको कैसा लग रहा है ब्लॉग। जिस तरह वक्त के साथ साथ हर चीज़ में जिद्दत आती जा रही है ना, वहाँ बटने वाली चीज़ों में भी जिद्दत आती जा रही थी। ये है जी चिकन ब्रेड जो बाहर बांट रहे थे, उसके बाद जी बर्गर भी थे यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर बारबेक्यू भी था। इट वॉज ऑल फ्री, कैन यू थिंक ऑफ दैट? मतलब इतना शोर हो रहा हो आपके घर के बाहर एंड यू हैव थिंग्स एंड यू हैव फ्रेंड्स टू इन्जॉय, प्लस यू आर गेटिंग एवरीथिंग फॉर फ्री। All you need to do is have to have a bit of struggle, थोड़ी सी struggle करनी पड़ती है, और embarrassment वाली situation से ना थोड़ा सा अपने आप को fun की तरफ लेके जाना होता है, because it's all gonna be a fun। बाकी अभी तो थोड़ा मौसम गर्म था, इस वजह से काफ़ी जो चीज़ें थी वो omitted थी, वरना चाय ज़रूर होती है, सूप ज़रूर होता है और इस तरह की और चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। अच्छा, कई ऐसी चीज़ें थी जो मैंने मिस भी कर दी थी, और वो चीज़ें क्या थी, आई थिंक मैक्रोनीस थी, पराठे थे, और कभी चिप्स भी ज़रूर लगा करती थी, आइसक्रीम कोन ज़रूर होती थी। बाकी इसके साथ खाने वाली चीज़ों के साथ यहाँ पर कवाली जो है ना वो उसका अरेंजमेंट भी ज़रूर किया जाता है। और ये जो कवाली है ना, ये भी किसी किसी बंदे का ज़ौक होता है, हर किसी को पसंद नहीं होती। तो अगर आपको कवाली सुनना पसंद नहीं है तो आप ये पार्ट स्किप भी कर सकते हैं। बाकी मैं थोड़ी देर आपको कवाली भी सुनाती हूँ कि कैसी थी। रात के तकरीबन को 4 बजे तक चली थी, और उसके बाद अगले दिन भी एक काम होता है, और वो क्या होता है जी, वो बनती है जी ये हलीम, कोई हलीम कहता है तो कोई दलीम कहता है। बाकी ये मेरे हस्बैंड जो है ना ये बनाते हैं, बहुत शौक से बनाते हैं। आप कभी किसी ने मेला देखना हो तो मुझे बता देगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जिंदगी रही तो आपको जरूर इन्वाइट करूंगी। सो दिस इज माई होल वीडियो, होप यू लाइक माई वीडियो, फील लाइक देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड द लव वंस अराउंड यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, अल्लाह हाफिज़।